वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद सेथ रॉलिंस का फर्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है, रोमन रेंस का समर स्लेम तक का स्केड्यूल सामने आ चुका है, वहीं बात करेंगे ब्रॉक लेसनर और कॉडी रूट्स को लेकर के, और आने वाले रॉ के एपिसोड में क्या देखेगा, वहीं मनी इन द बैंक को लेकर के भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि काफी कमाल की होने वाली है, और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां हमें मिज वर्सेस रिकोशे के बीच मैच दिखने वाला है, नाकामुरा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच भी हमें मैच दिखेगा, वहीं मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच भी दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि मैंस और वुमेन्स दोनों के लिए होगा। वहीं आपको बता दूं कि वुमेन्स के बीच फैटल फोर वे टैग टीम मैच दिखेगा, जो टीम जीतेगी वो न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन कहलाएगी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इस साल मनी इन द बैंक में 8 सुपरस्टार की जगह 6 सुपरस्टार ही होने वाले हैं, मतलब कि 3 रॉ से और 3 स्मैकडाउन से। अब देखते हैं ये रूमर सही होता है या नहीं होता है, कितने सुपरस्टार क्वालिफाई करते हैं ये आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है, वहीं उनको लेके ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो जल्दी अपना टाइटल हार जाएंगे, मतलब कि उनका टाइटल रन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि साल जो भी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा वो सक्सेसफुल होगा कैश इन करने में, पर रूमर्स ऐसे भी हैं कि इस साल का मनी इन द बैंक कैश इन समर स्लेम में ही होगा और सक्सेस भी होगा। अब जब सक्सेस होगा तो जाहिर सी बात है कि रोमन रेंस के खिलाफ तो होगा नहीं, क्योंकि वो टाइटल हारेंगे नहीं, तो वहां करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सेथ रॉलिंस के खिलाफ ही कैश इन होगा और वो समर स्लेम में टाइटल हार सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये कैश इन मैच के बाद होगा या मैच के दौरान होगा या मैच के बीच में होगा। बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर और कॉडी रूट्स के बारे में, इन दोनों के बीच फ्यूड का सेकंड मैच नाइट ऑफ चैंपियन में दिख चुका है, जहां ब्रॉक लेसनर की जीत हुई। अब ब्रॉक लेसनर की जीत कैसे हुई या मैच का एंड कैसे हुआ ये हम सबने देखा है, जिसके बाद ये भी क्लियर है कि इनके बीच थर्ड मैच भी दिखेगा। अब वो कब होगा और आगे इन दोनों के क्या फ्यूचर प्लान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेपर व्यू मनी इन द बैंक है, वहां तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस कॉडी रूट्स के बीच थर्ड मैच नहीं दिखने वाला है। रीजन साफ है, WWE अब अगर मनी इन द बैंक में इन दोनों का थर्ड मैच करवाती है तो फैंस काफी बोर हो जाएंगे कि लगातार थर्ड मैच कराने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि हम बैकलैश मैन के बीच मैच देख चुके हैं, नाइट ऑफ चैंपियन में मैच देख चुके हैं, इसलिए मनी इन द बैंक में ना होके ये मैच शायद समर स्लैम में हो सकता है, जो कि ठीक भी है। अब सवाल ये कि अगर मनी इन द बैंक में इन दोनों के बीच मैच नहीं होगा तो मनी इन द बैंक को लेकर इनके क्या प्लान हो सकते हैं। देखिए कॉडी रूट्स शायद मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में दिखाई दे सकते हैं और इस बात के रूमर्स भी हैं। अब सवाल ये कि ब्रॉक लेसनर को लेकर मनी इन द बैंक में क्या देखेगा, तो देखिए ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक में होंगे या नहीं होंगे ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि मनी इन द बैंक के पोस्टर पे वो नहीं है और ना ही मनी इन द बैंक के लिए एडवर्टाइज करेगा इस सुपरस्टार में वो दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं वो दिखेंगे तो उनके जो प्लान्स होंगे वो आगे आने वाली अपडेट में कवर कर रहा हूं। बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 39 के बाद से तो पार्ट टाइमर से भी बड़े ज्यादा पार्ट टाइमर बन गए हैं। हाल ही में वो नाइट ऑफ चैंपियन में भी दिखाई दिए हैं। अब रोमन रेंस का पता नहीं होता भाई कब दिखेंगे कब नहीं दिखेंगे, बट एक बढ़िया न्यूज है, रोमन रेंस का स्केड्यूल सामने आ चुका है, जिसमें वो समर स्लैम तक कब और किस स्मैकडाउन में दिखेंगे या किस पेपर व्यू में दिखेंगे वो सामने आ चुका है। आपको बता दूं आने वाले 2 जून 2023 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस दिखेंगे, फिर 16 जून 2023 के एपिसोड में, फिर 30 जून 2023 के एपिसोड में, और फिर 1 जुलाई को होने वाले मनी इन द बैंक पेपर व्यू में दिखेंगे, फिर उसके ठीक बाद होने वाले 7 जुलाई 2023 के शो में दिखाई देंगे, फिर 21 जुलाई 28 जुलाई और फिर 5 अगस्त को समरसले में दिखाई देंगे। अब अगर जून की बात करें तो जून में 5 स्मैकडाउन के एपिसोड होने वाले हैं, उसमें से रोमन रेंस 3 में दिखाई देंगे, जो कि ऑल्टरनेट वीक है, एक में दिखेंगे एक मिस करेंगे, फिर एक में दिखेंगे फिर एक मिस करेंगे, वहीं जुलाई में 7 को दिखेंगे और फिर 2 हफ्ते वो स्मैकडाउन को मिस करेंगे और फिर लगातार 2 वीक समर स्लैम से पहले वो दिखाई देंगे, जो कि 21 और 28 जुलाई 2023 है। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, सेथ रॉलिंस के टाइटल जीतने के बाद फर्स्ट चैलेंजर या अपोनेंट कौन हो सकता है जिसके खिलाफ सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक में अपना टाइटल डिफेंड करने उतर सकते हैं। 2 नाम मुझे लग रहे हैं जो हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला नाम ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर काफी टाइम से बाहर चल रहे हैं और मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए एडवर्टाइज करे गए थे, फिर उन्हें हटा लिया गया। अब मनी इन द बैंक यूके में होने वाला है तो चांसेस बहुत है कि शायद ड्रू मैकइंटायर वहां दिखाई देंगे, इसलिए हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर एक हील कैरेक्टर में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में। वहीं सेकंड जो नाम निकल कर आ रहा है वो है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर वैसे तो
कॉडी रूट्स के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं, बट अब शायद WWE इस फ्यूड को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डालेगी। कॉडी रूट्स तो मेंस मनी द बैंक लैडर मैच में दिखाई देंगे, वहीं ब्रॉक लेसनर हो सकता है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए सेथ रॉलिंस के खिलाफ दिखाई दे जाएं। उम्मीद ऐसी है कि अगर ऐसा होना है तो आने वाले रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को कन्फ्रंट कर सकते हैं और दोनों के बीच कुछ ना कुछ दिखाई दे सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ब्रॉक लेसनर जीत तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट टाइमर हैं और फिर ये टाइटल एक बार पार्ट टाइमर पे चला जाएगा और ट्रिपल एच ने कहा था कि ये टाइटल हर बार हर जगह डिफेंड होगा। खैर ये तो बात की बात है कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट उससे पहले आपको बता दूं, ब्रॉक लेसनर भाई साहब बेशक पार्ट टाइमर हों लेकिन वो साल 2023 के हर पे पर व्यू में दिखाई दिए हैं, मतलब कि जनवरी से नाइट ऑफ चैंपियन तक जितने भी पे पर व्यू हुए हैं वो सब पे पर व्यू में मैच लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब कि वो पार्ट टाइमर होते हुए भी पार्ट टाइमर नहीं है और रोमन रेंस भाई साहब पार्ट टाइमर होते हुए भी जबरदस्त पार्ट टाइमर बन रहे हैं। खैर ये थी आने वाले रॉ और WWE से जुड़ी हुई कुछ बढ़िया और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वीडियो यहां तक देख ली और लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक करो यार, सोच कर रहे हो। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।